गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। सिक्स क्लास, आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। ये पार्ट मैंने आपको मई में पढ़ाया था लेकिन अभी है नहीं, तो एक बार मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ। पार्ट का नाम है प्रार्थना। पार्ट ए, पेज नंबर 5। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सफलता हासिल करें और हम क्या क्या करें। हम अपने भगवान से हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें अपने बारे में छोड़कर हमें कभी किसी और के लिए भी कुछ न कुछ मांगना चाहिए। और जब हम ये बुक शुरू कर रहे हैं तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दे, हमारे दिमाग में ज्ञान का विकास करे और जो हमारे जीवन में अंधकार है उसे दूर कर हमारे जीवन में उजाला फैलाए। सभी बच्चे आप अपनी हिंदी की बुक निकालें, पेज नंबर 5, पार्ट 1, प्रार्थना। हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना में केवल शिकायतें एवं अपनी सुख सुविधाओं की मांगे होती है, किंतु क्या कभी अपने सुख को छोड़कर हमने ईश्वर से कभी कुछ मांगा है? आइए प्रस्तुत प्रार्थना के माध्यम से हम जानते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए। ये प्रार्थना है, आप लोग स्कूल में भी अपने प्रार्थना स्थल पर बोलते हैं। सभी बच्चे देखें अपने बुक पर, इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता का अर्थ होता है भगवान। भगवान से क्या बोला जा रहा है कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दे, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दे कि हम अच्छी राह पर चले, हम भलाई की राह पर चले और भूल कर भी हमसे कोई भूल नहीं हो। सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटा, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसमें बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे ईश्वर, हर तरफ जुल्म अत्याचार बेबसी यानी लाचारी, हर तरफ अत्याचार बेबसी है, आदमी सहमा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, पाप का बोझ है जिससे धरती पाप से पूरी तरह से मलिन हो गई है, बोझ ममता का तू उठा ले। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ममता का बोझ उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया, इतनी अच्छी सृष्टि का निर्माण किया है और इस पाप और इस गंदगी की वजह से हे भगवान, हे ईश्वर, इस धरती का अंत नहीं हो और हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो न किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हे ईश्वर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो अज्ञान है उसे दूर करे, हमें ज्ञान की रोशनी दे, जब हम बुराई पे चलते हैं तो हमें अच्छाई की तरफ ले जाए और हमारी जिंदगी में उजाला भर दे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो, हम किसी से भी ईर्ष्या और जलन नहीं करें। और हम भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हम ना सोचे हमें मिला क्या है, हम ये सोचे किया क्या अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुमन। हे ईश्वर, हम ये न सोचे कि हमसे क्या भूल हुई है, हम ये सोचे कि हमने इस दुनिया को, हम अपने परिवार को क्या दे रहे हैं, और फूल खुशियों के बांटे सभी को, हम अपने परिवार में सभी को खुशियों के फूल बांटे और हमारा जीवन मधुबन की तरह खुशियों से जिल मिला उठे। पेज नंबर 6,
अपनी करुणा का जल तू बहाके करते पावन हर मन का होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, आप अपनी दया का जल यहाँ इस धरती पर फैला दे और पवित्र पावन कार्य होता है पवित्र एक मन का कोना कर दे और हम अच्छी राह पर चले, हम भलाई की राह पर चले और हमसे भूल कर भी कोई भूल हो न। हम अंधेरे में है रोशनी हो न दे खुद की ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो सहले खुशी से, कर लो गुजारा फिर से न गुजरे आने वाला हो कर ऐसा न हो, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो न। इसमें ये बोला गया है कि हमें अज्ञान से हटाकर हमारे प्रकाश कर दे हमारी जिंदगी में। आप सभी बच्चे ये करेंगे, इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। पहला प्रश्न देखें आप, कवि नेक रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर से क्या मांग रहा है? धन घर शक्ति। शक्ति पहले का आंसर क्या होगा? शक्ति। आप इसमें टिक करेंगे और आपको तीनों ऑप्शन लिखने हैं। हमसे भूलकर भी क्या न हो, भूल नेकी और न्याय, तो भूल पर आप टिक करेंगे। संसार की रचना किसने की है? मानव ने, ईश्वर ने, धनवानों ने? ईश्वर ने। तो आप ईश्वर ने से टिक करेंगे। कवि मौत का सामना किस प्रकार करना चाहता है? डर कर, लड़कर, खुशी से। इसका आंसर होगा खुशी से। दूसरा प्रश्न आप देखें, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। कविता में क्या न कमजोर होने की बात कही है? कविता में मन का विश्वास कमजोर न होने की बात कही है। अज्ञान का अंधेरा कैसे दूर हो सकता है? इसका आंसर होगा अज्ञान का अंधेरा हमें ईश्वर जब ज्ञान देगा तब दूर हो सकता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, ईश्वर हमें ज्ञान की रोशनी देगा तब अज्ञान का अंधेरा दूर हो सकता है। हमें किस बात पर विचार करना चाहिए? हमें जो कल गुजर गया है उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए बल्कि आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। आप पहला और दूसरा प्रश्न अपनी नोटबुक में करेंगे और शब्दार्थ करेंगे इस चैप्टर के। ये कविता आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका होमवर्क है और प्रश्न नंबर 5 ये भी आपका होमवर्क है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और फिर मैं आपको अगले वीडियो में आपको दूसरा पैराग्राफ बताऊंगी, ठीक है? प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आपका होमवर्क। थैंक यू।